क्या कहेंगे दुर्गा पूजा का यहाँ पे आयोजन किया गया है, किस तरह से पूजा होती है और क्या क्या उपक्रम रहता है? हम लोग का इधर दुर्गा पूजा जो होता है सप्तमी का दिन पे माँ का स्पेशल भोग रहता है, माँ का जो भोग निवेदन होता है इधर माँ का, फिर उधर भी सब लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं माँ का जो प्रसाद जो है मेन महाप्रसाद जो होता है, सब लोग आता है माँ का प्रसाद लेता है, माँ के पास पुष्पांजलि अर्पण करता है, उसके बाद माँ को जो चढ़ाना है वो चढ़ाता है, फिर माँ का प्रसाद लेकर सब आनंद मिलके माँ का प्रसाद ग्रहण करता है, फिर शाम को हम लोग का मेन महाआरती रहता है, आरती रहता है शाम को 7 बजे 7:30 बजे माँ का आरती होता है, उसके बाद हम लोग का बाजू में कल्चरल प्रोग्राम जो है कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, उसमें सब बंगाली लोग शामिल होता है। यहाँ पे जो 5 दिन के विधि रहती है वो क्या क्या किस किस प्रकार की विधि रहती है? ये विधि जो रहता है माँ का जो पहले दिन जो है होता है षष्ठी का दिन पे, तो माँ का शाम को बोधन रहता है, जो माँ का आमंत्रण करते हैं माँ को, बिल का झाड़ में माँ का बोधन होता है, उसके बाद माँ का अधिवास होता है, उसके बाद माँ का नेक्स्ट दिन जो सप्तमी का दिन होता है माँ का कलश स्थापना होता है, फिर माँ का जो नवचंडी जो बोलता है नवचंडी में 9 झाड़ रहते हैं, उसमें देवी माँ स्थापना होता है, देवी माँ को उधर स्थापना किया जाता है, उसके बाद माँ का कलश जो है उधर स्थापना होता है माँ का, फिर हम लोग का महापूजा होता है, उसके बाद फिर माँ का दोपहर को भोग आरती रहता है, फिर हम लोग सब जाके फिर शाम को आवाज फिर आरती रहता है, और नेक्स्ट दिन जो अष्टमी जो होता है अष्टमी का पहले जो है अष्टमी में पूजा होता है, अष्टमी और नवमी का बीच में जो होता है संधि पूजा बोलते हैं उसको, उसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर को वध किया था, रक्त बीज जो है रक्त बीज बन के उस टाइम पे असुर को निधन किया था, इसलिए संधि पूजा हम लोग का मेन रहता है, उसमें बलिदान भी होता है, कुष्मांडव जो है कुष्मांडव बलिदान होता है, गन्ना जो है वो बलिदान होता है, 108 दिया भी जला जाता है उस टाइम पे, और उसमें समझिए सब लोग पुष्पांजलि भी अर्पण करता है, माँ का जो मन का जो मनस्कामना है उस टाइम पे माँ को बोलेगा तो माँ पूर्ण करता है मनस्कामना सबको, फिर नेक्स्ट दिन है नवमी है, नवमी का दिन पे कुमारी पूजा होता है, एक छोटा लड़की को हम लोग का देवी माँ का रूप से पूजा किया जाता है उनको, तो फिर नवमी का दिन पे लास्ट दिन में हवन रहता है, हवन के बाद नेक्स्ट दिन जो है दशहरा जो है दशहरा दिन पे माँ का कलश जो है वो विसर्जन होता है, ये हम लोग का ये कुछ दिन 5 दिन हम लोग आनंद में माँ के साथ विलीन हो जाता है इधर, तो हम लोग इसलिए ये टाइम पे हम लोग पूजा में सब लोग मिलकर एंजॉय करते हैं, सब लोग आता है इधर, खाली बंगाली नहीं है, सबका धर्म इधर आता है आके। आपका नाम? मेरा नाम है राजेश चक्रवर्ती। लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा।